उत्तराखंड का मुहभाटा गांव ट्रांसफार्मर खराब होने की पिछले 18 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी तक यहां नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। बिजली न होने से ग्रामीणों को परेशानियों से दोचार होना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार खराब होने पर ट्रांसफार्मर को बदला गया था, लेकिन वो भी खराब हो गया। अब नया ट्रांसफार्मर स्टॉक न होने के कारण नहीं बदला जा सका है। रायपुर से नया ट्रांसफार्मर आने पर उसे तुरंत बदलने की भी अधिकारियों ने बात कही है। में भैया एक महीना हो गए ट्रांसफार्मर मुड़े है, लाइट के परेशानी है। हम लोग अंधेरा में राशि खाना बनाए बहुत दिक्कत जाते, छोटे छोटे बाल बच्चे है, हम लोग बहुत परेशानी होती। ट्रांसफार्मर उड़ जाने के कारण बिजली बहुत दिन से महीना दिन हो गए बंद हुआ है, अभी तक के लगाए नहीं। बिजली ऑफिस में जाकर आवेदन भी पेश किया, फिर भी अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए पुरुषोत्तम पात्रा। पुरुषोत्तम, ये देश 21वीं सदी में चल रहा है जहां कहा जाता है कि घर घर बिजली पहुंच चुकी है, घर घर तार बिछ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एक ट्रांसफार्मर फूक जाता है, खराब हो जाता है, वो 18 दिन तक भी उसे बदला नहीं जा सका। उनका कहना है कि एक बदला भी गया, वो भी इतने घटिया क्वालिटी का था कि शायद वो भी खराब हो गया, अब स्टॉक में ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये महुआभाटा का मामला है जहाँ 400 की आबादी रहती है, और आज के डेट में जब उस समय उस दौर पे जब केरोसिन का कोटा भी बंद कर दिया गया है, ऐसे में ग्रामीणों के लिए काफी मुश्किलों भरा रात होता है, और बारिश के सीजन में ऊपर से और केरोसिन का कोटा जो उनके पास एकमात्र विकल्प था जो चिमनी का, वो चिमनी भी वो नहीं जला पा रहे हैं। इस स्थिति में ट्रांसफार्मर इतनी जरूरी हो गई है, और एक तो ऐसी ग्रामीण इलाका होता है, जंगली इलाका है जहाँ पे जीव जंतुओं का भी खतरा मंडरा रहा है। सबसे गंभीर बात तो ये है कि जो मुख्यालय मैनपुर मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वैसे तो वहाँ बहुत सारे दूरस्थ ग्राम है जहाँ पे बिजली की काफी समस्या है, लेकिन ये मैनपुर से 2 किलोमीटर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और केवल इस वजह से नहीं लगाया जा पा रहा है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो है वो राजधानी रायपुर से गरियाबंद तक नहीं हो रहा है। हमने अधिकारियों से बात किया था तो उनका केवल यही हवाला कहना, जिले भर में कम से कम 15 से 20 ऐसे गाँव है जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं, जिसकी मांग डिमांड पत्र वो प्रदेश के जो स्टोर कार्यालय होता है वहाँ भेज दिए थे, और इन परिस्थिति में वहाँ पे जब बिजली को लेकर कटौती को लेकर सरकार गंभीर है, और कटौती नहीं होने के बावजूद भी बिजली की समस्या जो हो रही है, उत्पन्न हो रही है, जो उनके उपक्रम ठीक कर सकते हैं, जो माथहट ठीक कर सकते हैं, जो सरकार के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है, उन पुरुषोत्तम जी आपको रुकना चाहूँ। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद तिवारी जी, स्वराज एक्सप्रेस में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या सुनने में आ रहा है कि 18 दिन से अंधेरे में गाँव डूबा हुआ है और आपके पास ट्रांसफार्मर ही नहीं है? क्या ट्रांसफार्मर है, एक रॉकेट है, कोई है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है? नहीं सर, ऐसा है कि ना ट्रांसफार्मर तो नहीं है मेरे पास, और बीच में स्टोर में भेजा था गाड़ी, तो उस समय 25 से जो ट्रांसफार्मर लगना है वो अवेलेबल नहीं था, तो अभी बीच में आया है मंडे को, तो ये आज मैं गाड़ी भेजा हूँ सर, आज गाड़ी गई है, कल इनका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। लेकिन सर 18 दिन हो गए हैं, वहाँ पर दिक्कत है, ग्रामीणों को परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण इलाका है, ऐसे में ये पहल तो दूसरे तीसरे दिन हो जानी चाहिए थी। नहीं लेकिन सुनिए ना सर, ट्रांसफार्मर नहीं था, और रही बात की अभी ये देवभोग मैनपुर और गरियाबंद, ये देवभोग मैनपुर और अमली बदर, ये तीनों जगह मिला के 17-18 ठोक ट्रांसफार्मर फेल है। अब उनका ये स्थिति हो गया है कि सबको जैसे कोई भाई, मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ सर, जैसे नेता लोग हैं तो वो सीधे फोन करते हैं तिवारी जी इसको कल लगा दीजिए, कहाँ से कल लगेगा साहब, वो तो टाइम लगता है, 8-10 दिन टाइम लगता है, एस्टिमेट जाता है, बनता है, पास होता है, मिलता है ट्रांसफार्मर, तब लगता है। अच्छा, जंगल क्षेत्र है साहब, अब इसमें क्या होता है, एक गाड़ी हमारे पास, और क्या होता है कि जैसे ब्रेक डाउन हो गया तो पहले ब्रेक डाउन देखना है, ब्रेक डाउन देखते हैं तो इधर नहीं जा पाते, ठीक तो है। ये सबसे थोड़ा लेट हुआ सर, और अभी क्या है कि ना अब ट्रांसफार्मर मिलना स्टार्ट हो गया, अब मिलना स्टार्ट हो गया तो ये आज भेजा हूँ सर गाड़ी, और कल लग जाएगा इनका 100% सर। तो बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से एक उम्मीद जताई जा सकती है कि आप जैसे लोग अगर बिजली विभाग में मौजूद हैं तो शायद इन ग्रामीणों को जल्द ही ट्रांसफार्मर और लाइट दोनों मिल जाएंगे। लगता है साहब, हमेशा मिलता है, हमेशा मिलता था साहब, अभी पहले रिकॉर्ड ही हो गया था कि विनोद जी आपसे उम्मीद है कि आप जल्द ही कार्रवाई करेंगे और जो ग्रामीण अंधेरे में जी रहे हैं उन्हें जल्द ही लाइट मिले। चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका विनोद जी। पूरी दुनिया